इधर भोपाल से खबर, 2023 को लेकर कांग्रेस ने एक नया प्लान बनाया है। जातिगत समीकरण साधने की कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। अब जिला से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक पद बढ़ाए जाएंगे। जिला अध्यक्ष के साथ दो अन्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। जातिगत समीकरण साधने के लिए प्रतिनिधित्व मिलेगा। बता दें, तमाम क्षेत्रीय नेताओं को साधने के लिए रणनीति बनाई है। जिला अध्यक्ष विधानसभा प्रभारी की बैठक में फैसला लिया गया। 2023 के लिए कांग्रेस काम कर रही है और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, और किस तरीके से जो नियुक्ति पत्र है वो संभवतः पहली बार कांग्रेस में हो रहा है कि उन्हें जो नियुक्ति पत्र है वो फ्रेम कराकर दिया जा रहा है। हर एक जो जिला अध्यक्ष है उसको इस प्रकार से जिला अध्यक्ष नियुक्ति का जो पत्र है वो दिया जा रहा है। आखिर किस तरीके का प्रयोग है उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा है, उनसे बात करेंगे। सर, एक नया प्रयोग पहली बार हो रहा है कि नियुक्ति पत्र फ्रेम कराकर जिला अध्यक्षों को बांटे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक प्रमाण, जो लोग कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाते हैं, परिश्रम करते हैं, पूरे जिले का प्रभार लेके काम करते हैं, कांग्रेस को मजबूत करते हैं, उन लोगों के पास एक प्रमाण होना चाहिए कि मैंने भाई एक निश्चित समय अवधि होती है कि 3 वर्ष तक आप जिला अध्यक्ष रहोगे, 4 वर्ष तक, उसके बाद दूसरा बनता है, तब एक प्रमाण उसके पास उसके जीवन के लिए कि नहीं, मैंने कांग्रेस को खून पसीने से सींचा है, ये प्रमाण उसका है। उसको गर्व की अनुभूति होती है कि जिस दल ने इस देश को स्वतंत्रता, आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता दिलाई, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। इसलिए जो कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं, इस तरीके से कहा जा रहा है कि ब्लॉक लेवल पर भी अलग अलग वर्ग के लोगों को अध्यक्ष बनाया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं कोई आपसी नाराजगी है, कुछ है, उसको दूर किया जाए, तो किस तरीके से नियुक्ति होंगी? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी ने आज स्पष्ट कहा कि जिले में 2 या अधिकतम 3 कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। इसलिए बनाना चाहिए कि उनसे लोग सुबह मिलते हैं कि साहब, हमारी जाति को, हमारे वर्ग को प्रतिनिधित्व कमेटी में नहीं मिला है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिले की राजनीतिक परिस्थितियां और जाति का समीकरण देख के आप 2 बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो 3 बना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ठीक स्थिति कि कांग्रेस को काम करने के लिए कुछ मजबूत हाथ और मिल जाएंगे। जिलाध्यक्ष जिला स्तर पर रहेगा या ब्लॉक अध्यक्ष? ये जिले के साथ ब्लॉकों में भी है, ब्लॉकों में भी बना रहे हैं, ताकि अब चुनाव का समय है और बहुत सारे अच्छे लोग मिलके कांग्रेस को मजबूत करें बूथ लेवल तक। जातिगत समीकरण को साधते हुए भी अलग अलग, चाहे ब्लॉक लेवल पर हो या जिला लेवल पर हो, अध्यक्षों की नियुक्ति अब कांग्रेस करेगी। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।